नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कपूर और लौंग का प्रयोग करके किस तरह से अपने घर का वास्तु भी इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें मैं जो इसके अंदर यूज़ करूँगा आपको डिस्प्ले करके भी दिखा सकूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी और किस तरह से आप आसानी से उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसने दिए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर सभी लोग इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। एक बात पहले ये समझ लेनी ज़रूरी है कि जो कपूर है वो शुक्र से संबंधित है। तो अगर कहीं पर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपको धन एकत्रित करने में समस्या आ रही है, या बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन की क्वालिटी ख़राब हो गई है आपकी, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपका ख़राब हो रहा है। और दूसरी बात, जब शुक्र ख़राब होता है ना तो आप जमा धन नहीं कर पाते। आप कुछ जो भी एफर्ट करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे भी, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाते। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आपकी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू होती है, कहीं ना कहीं आसपास जलने वाले लोगों की तो कमी है नहीं, ऊपरी बाधा हो गई, किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया। तो जो आज मैं उपाय बता रहा हूँ, एक महीने में एक बार इस उपाय का प्रयोग करेंगे तो सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरह से हम ये उपाय करेंगे। अब ये उपाय करना किस तरह से, पहले ये समझ लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर ही लेना है, नॉर्मल केमिकल वाला कपूर नहीं लेना। और चाहिए होंगी दो लौंग इस तरह से, फूल वाली लौंग ले लीजिए। अब करना क्या है, एक कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा किसी भी कलर का ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रुमाल लिया है, आप ऐसी तरह का कोई भी रुमाल ले सकते हैं। इस तरह का रुमाल ले लीजिए आप, इसके अंदर आपने ये लौंग डाले, ये कपूर डाला, इसको बंद कर लीजिए। अब इसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। आप किसके लिए कोई भी, चाहे आपके पास हमाम दस्ता है तो आप ये भी कर सकते हैं। हमाम दस्ते के अंदर आपने इसको डाला और इसको इस तरह से कूट लिया। कूटने के बाद इसका मिश्रण कुछ इस तरह का बन गया, यानी इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन गए इस तरह से। अब ये ग्रेन्यूल्स बन गए, आप ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, आप एक ग्लास ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ग्लास कैसा लेना है। जैसे मैंने यहाँ स्टील का ग्लास लिया है, स्टील के ग्लास के अंदर पानी भर लीजिए। पानी आप चाहें तो गंगा जल भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो गंगा जल का प्रयोग करिए। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरे पास तो गंगा जल उपलब्ध नहीं होता, किसी पवित्र नदी का जल है तो वो कर लीजिए, नहीं तो सादा पानी भर लीजिए। अब करना क्या है, आपने जो ये ग्रेन्यूल्स आपने बनाए थे, ये ग्रेन्यूल्स और लौंग जो आपने पीसी हुई हैं, वो इस पानी के अंदर आपने डाल ली। अब ये पानी में डालने के बाद जो ये ग्लास तैयार हुआ, ये अपने घर के ब्रह्म स्थान यानी सेंट्रल प्लेस पे रख लीजिए। अंदाजे के हिसाब से आपके घर में जो ब्रह्म स्थान बनता है, सेंट्रल प्लेस बनता है, आप उस पे रख दीजिए। अब बहुत सारे लोग इस पे भी परेशान हो जाते हैं कि सर हमें तो सेंट्रल प्लेस नहीं मिल रहा। तो कोई बात नहीं, आप सेंट्रल प्लेस पे नहीं रख सकते, तो जहाँ पर आपको जगह उपलब्ध हो, जहाँ इसको छेड़े नहीं, इस पानी के ग्लास को एक डेढ़ दो घंटे आपने छेड़ना नहीं। अब मैंने स्टील का लिया है, आप इसमें चाहें तो इसमें कांच का ग्लास भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टील या कांच, दो आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से जो ले लीजिएगा उपलब्ध हो। नया लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो घर का है उसको ही धो लीजिए, क्योंकि ये उपाय हमने एक महीने में एक बार करना है। तो एक बार उपाय सही से कर लेंगे तो अगली बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने जल तैयार जो किया था ये आपने रख दिया। अब इसको एक डेढ़ दो घंटे अपने घर में पड़ा रहे, तब तक कोई भी इसको ना छेड़े। अब जल रखते हुए एक मंत्र आपको बोलना है, बहुत सिंपल मंत्र है, दुर्गा मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 9 बार जाप करना है।
मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा मंत्र जो होता है वो बुध की एनर्जी को अच्छा कर देता है। अब हम ये उपाय कर रहे हैं, शुक्र हमारा ख़राब हुआ हुआ है, नज़र लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे राहु पे भी नेगेटिव इफेक्ट हो। जब हम बुध को सही करेंगे तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स भी अपना अच्छा रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। जो मंत्र मैंने बताया कम से कम 9 बार जाप करें। अब आप कहते हैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने न्यू म्यूजिक चैनल कुमार विकास मेलेडीज के नाम पर उसमें इस मंत्र का लिंक भी दिया हुआ है। मान लीजिए आप कहते हैं मैं मंत्र नहीं कर सकता, तो मंत्र को सुन लीजिए, उस टाइम पे प्ले कर दीजिए उसको, 9 बार उसको सुन लीजिए, 9 से ज्यादा बार जितनी मर्जी बार सुन सकते हैं, तो उसका फायदा उठाएं। अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी मंत्र हम अपने वीडियोज में बताते हैं उनका उच्चारण वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे जो रिलीजियस आपको मंत्र हैं वो मिल जाते हैं, तो उससे लाभ रहता है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें। तो आपने ये 1.5-2 घंटे तक आपने ये क्रिया करी, आपने मंत्र पढ़ के रख दिया, इसको 1.5-2 घंटे इसको छेड़ना नहीं है। 2 घंटे बाद आप एक दूसरा ग्लास लीजिए, इसी अब मान लीजिए आपने स्टील का ग्लास लिया तो स्टील का ही ले लीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपने स्टील के ग्लास में इस तरह से रुमाल रख लीजिए, जो रुमाल आपने तब यूज़ किया था वो रुमाल रखने के बाद आप ये जो जल है, ये सारा जल ये इस तरह से इसमें पोर कर लीजिए, ये जल इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें जब जल आएगा तो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। जब ये ग्रेन्यूल्स लेकर आप इसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, जैसे ये मैंने इसके अंदर ये करा, आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि मैं तो वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह की एक पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली के अंदर क्या है, जो आपने देसी कपूर रखी थी और लौंग रखी थी वो उसके ग्रेन्यूल्स इसके अंदर है, और जो पानी है ये पानी इसमें कपूर और लौंग का अक्स आ चुका है। अब ये जो पोटली आपने बनाई है ये अपने घर के सभी कोनों से एक बार टच करा लीजिए, और जो ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं और लौंग है वो घर के बाहर फेंक दीजिए। अब लोग पूछते हैं कि सर ये उपाय किस दिन करना चाहिए, शुक्र से संबंधित ये उपाय है तो शुक्रवार को करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए शुक्रवार को आपको टाइम नहीं मिलता तो किसी और दिन भी कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन भी आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए, शाम को करते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव आ जाता है। यानी आप सुबह जल बना के रख दीजिए, शाम तक पड़े रहने दीजिए अपने घर में, और शाम को ये क्रिया कर लीजिए। तो ये पोटली बना ली आपने, अब रह गया जल। आपके पास इस ग्लास के अंदर वो जल है जो जिसके अंदर अक्स है, आपने क्या करना है, एक इस तरह का एक पंप आता है, ये पंप आता है, ये जल आप इसके अंदर भर लेंगे, ये खुल जाएगा, आप इसके अंदर जल भर लेंगे और फिर इसको नियमित तौर पर जितना जल इसके अंदर आया वो आप नियमित तौर पर शुक्रवार वाले दिन भी अपने घर के अंदर स्प्रिंकल कर लीजिए, और बाकी दिन में भी जब तक बचता है, जब तक आप अगली क्रिया नहीं करते। मान लीजिए आप ये 1 महीने में 1 बार कर रहे हैं, तो आपने शुक्रवार वाले दिन ये क्रिया कर ली, पोटली को टच करा लिया और जो इसके अंदर का जो सामान था घर के बाहर फेंक दिया, प्लस आपने ये एक बार छिड़काव कर दिया, अब 7-8 दिन बाद फिर इस पानी को यूज़ करके छिड़काव कर दीजिए। तो इस तरह से होगा क्या, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि ये ऐसा उपाय है कि इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होना। कपूर का 1 पीस चाहिए, 2 लौंग चाहिए, बहुत आसानी से उपलब्ध है। और तो और जो कपड़ा आप प्रयोग कर रहे हैं, अब कपड़ा बहुत लोग पूछते हैं कि सर कपड़ा कॉटन का ही कपड़ा ले लीजिए, सफ़ेद ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, जो आपको मिल जाए इन दोनों कलर में से ले लीजिए। ज़्यादा कलर की ऑप्शन इसलिए नहीं देता, नहीं तो लोग 10 बार ये पूछेंगे नीला ले लें, काला ले लें, तो सफ़ेद या क्रीम कलर का कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, उसको धो के दोबारा भी यूज़ कर लेना, यानी आपके उसमें भी पैसे नहीं लगेंगे, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये उपाय आप नियमित तौर पर करिए, लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध की सपोर्ट जब तक शुक्र को नहीं मिलेगी, शुक्र बुध की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। बुध की सपोर्ट यानी आपको जो मैंने मंत्र बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करते रहें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होनी शुरू हो जाएगी।
दो तीन महीने ये उपाय करके देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। आप देखेंगे जो जमा धन में समस्याएं आ रही थी धीरे धीरे वो कम होने लगी, रिलेशनशिप इश्यूज थे, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। बाकी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।